राजा रणबीर। उसी के अंडर थे आप लोग? हाँ हाँ, तभी वो ये जगह आपको दिया। उसी के आदमी है ना, वो इधर वो हमारे से वो लेता था लगान। लगान, हाँ ओके। फिर अभी आपका ये चुता, ये आपका हो गया ये अभी दुकान? ये दुकान तो अपने ही। हाँ बहुत 35 साल से ये दुकान आप चला रहे हैं। हाँ मतलब सर्दी में क्या इधर का रोड गेट सभी बंद हो जाता है? हाँ, जोजला बंद हो जाता है ना। जोजला बंद हो जाता है। हाँ। फिर इधर का कोई बाहर जाना है तो कैसे जा सकता है? बस हवाई जहाज में। हाँ नहीं तो मुश्किल है। ये कारगिल रूट पे भी बंद हो जाता है? कारगिल से ले होते ऐसा बंद है? ये कारगिल रूट नहीं बंद होता है? हाँ, ये जोजला पास का टनल अभी बन रहा है वो। अभी ये इंशाल्लाह अगर गवर्नमेंट ने अगर कुछ किया तो 4 साल में तो ठीक हो जाए। हाँ, वो अभी काम लगातार चल रहा है वो। हाँ, टनल काम तकरीबन 1.5 किलोमीटर। हाँ हाँ, 1.5 किलोमीटर किया है अभी वही। लेकिन वो जोजला पास तो है ना, वो बर्फ में तो पूरा भर जाएगा शायद। वहाँ एक साल 1987-88 की बात है। हाँ, 200 गाड़ियाँ बर्फ के वजह से नाले में पहुँच गई। बर्फ के वजह से नाले में दो सौ गाड़ियाँ? 200 गाड़ियाँ। हाँ, कम से कम आदमी तो 500-600 मर गए। 500-600 मर गए। हाँ, जो तगड़ा था हाँ वो पैदल जाकर बस गया। हाँ, जो बेचारा जिसके पास बूट नहीं था या कपड़ा नहीं था, हाँ वो तो सर्दी से उतरी मर गए। हाँ, सर्दी से, इतना भयंकर सर्दी होता है। हाँ। और गांव के अंदर भी सर्दी के मौसम में मरता है क्या? गांव में तो आप ऐसा है ना, यहाँ हम बुखारी जलाते हैं। हाँ, बुखारी से टेम्परेचर कम होता है। कम होता है। हाँ, बाहर मरता है। हाँ, ये भयंकर तो सर्दी। वो जोजला पास होने के बाद वो मटायन गांव आता है ना, मटायन गांव। हाँ हाँ, वो तो अभी तक अभी भी बर्फ से पूरा, बर्फ से पूरा चुभा है वो। सर्दियों में उधर नहीं रहते, वो कोई गांव वाला नहीं रहता है। नहीं रहता है, सर्दियों में इधर आते हैं वो नीचे। हाँ, मतलब उन लोगों का दो दो घर रहता है ये, कैसे? नहीं नहीं, आगे किराए किराए पे। सर्दी बर्दाश्त होती है ना बच्चों की। हाँ, सर्दी बहुत बर्दाश्त होता है। एक तो वो मटायन वालों के लिए द्रास से भी कट जाता है वो। हाँ, बर्फ जला वो मटायन वो जगह है ना, वो तो ये वर्ल्ड में सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस है वो। ये पूरा द्रास है। द्रास, हाँ पूरा। तेरा स्विट्जरलैंड? स्विट्जरलैंड, वो साइबेरिया आता है। साइबेरिया, हाँ साइबेरिया, फिर साइबेरिया के बाद द्रास। द्रास यूटी हो गया अभी। हाँ, लद्दाख यूटी। हाँ, हमारा इलाका सुखी इलाका है। सुखी इलाका, कोई डर नहीं। हाँ, अगर आप अकेला सो जाएगा ना। हाँ, कोई डर नहीं, बहुत शांत जगह है और लोग भी बहुत प्यार से और बहुत अच्छा। सिर्फ पेट भरना चाहिए हमें। हाँ, सिर्फ पेट भरना चाहिए। पेट भरना चाहिए। हाँ, बाकी हाँ, कोई किसी चीज का टेंशन नहीं नहीं है। हाँ, फौज भी हमारा मदद करते हैं। हाँ, तो हम भी फौज का मदद करते हैं। हाँ, आप लोग सर्दी में यही पर रुकते हैं या चला जाता है? नहीं, नहीं, इधर ही रहते हैं। हाँ, सर्दी में भी गाय बकरी रखा हुआ है ना। हाँ, वो कहाँ छोड़ कर जाएंगे। वही है, अभी इस पेड़ पे, इस क्या है, इस पहाड़ पे गाय को क्या मिलता है खाने के लिए? सब यही जमीन से जो निकलता है वो खिलाना पड़ता है, बाकी मतलब वो, अभी वो जंगल का गाय बकरी होता है ना, उसको क्या खाता है वो? जंगली बकरी। हाँ, जंगली बकरी, वो तो छोटा छोटा बूटा बूटा खा लेते। हाँ, हम देखा रास्ते पे बहुत बड़ा बड़ा था वो। हाँ, जंगली बकरी। हाँ, वो
पहाड़ तो पूरा काली काली है, कुछ पेड़ नहीं है, कुछ ग्रास नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उस पे वो काना ढूंढ रहा है। छोटे छोटे घास पौधे पौधे होते वो खाकर गुजारा करते हैं। ये हमारे गांव में भी ऐसे ही डालता है। अच्छा, ऊपर वाला। अच्छा, अच्छा। अभी अभी थोड़ा सा सीमेंट का डाल लेता है, लेकिन पुराना जो पहले तो ऐसे ही डालता था, ऐसा छत को ऐसा लकड़ी से डाल के छत ऐसे ही बनाता था, ऐसे ही करता था। और बाद में दीवार से भी वो गाय का गोबर होता है ना, उसको हम पानी में मिटा के फिर उससे पेंट कर लेते थे। सीमेंट का नहीं बनाते? सीमेंट अभी अभी बना रहे, पहले तो ऐसे ही गाय का गोबर से बना लेते थे। इधर भी ऐसा ही मिलता है देखने में। हाँ, वही है। यहाँ कोई रोड नहीं था। हाँ, तो बाद में बना, जब ये चीन के साथ हिंदुस्तान का लड़ाई हो गया 62 में, उस वक्त ये रोड बना। पहले घोड़े में आता था हर एक सामान, रास्ता, ये राशन का सामान, पानी, सब घोड़े में। घोड़े में। हाँ। और फौजी कैसे, फौजी वो पैदल आते थे, पैदल से। हाँ। और उसके बाद छोटा सा गाड़ी चलने लगा। हाँ। फिर उसके बाद अभी तो बड़ा गाड़ी चलता है। हाँ। बड़ी गाड़ी में हर एक सामान आता है। हाँ। तो अभी तो बहुत आराम हो गया। हाँ, अभी रास्ता अच्छा हो गया ना। हाँ। अभी तो कम से कम 100-150 गाड़ी, 200 तक भी चलती है। उस वक्त गाड़ी का हमने पहले तो गाड़ी भी देखा ही नहीं। पहले गाड़ी भी नहीं देखा था हमने। कौन सा उम्र में देखा आप पहली बार गाड़ी? मेरी उम्र उस वक्त थी जी 16 साल। हाँ, तभी पहली बार आप गाड़ी देखा? पहली बार देखा। कौन सा है? फौजी का गाड़ी देखा? फौजी का। हाँ। हम उसको समझते थे इन ये क्या खाती है, ये तेल डालते कर चलता है, कर हमको पता नहीं था। हम समझते थे ये भी कुछ रोटी वोटी खाते हैं। ऐसा समझते थे। हाँ। अभी चाचा आपका उम्र क्या होगा? 70 साल। 70 साल है। हाँ, बहुत बढ़िया। मतलब उस टाइम पे अभी अभी रेशन की चीन बाहर से आ रहा है। हाँ, लेकिन उस टाइम पे कैसे? हाँ, कुछ नहीं आता था बाहर से। हाँ, किस में आता था? हाँ, गाड़ी नहीं होता था, बस घोड़े में जिसके पास आदमी थे। हाँ, वो अपने लिए 5-6 क्विंटल लाते थे। हाँ, मतलब आप बचपन में आप क्या खाना खाते थे? जब आप, आपका बचपन में जौ का सत्तू, जौ का सत्तू, हाँ, जौ का रोटी। हाँ, गेहूँ इधर ही बनता था, गेहूँ की रोटी। हाँ, बस उसके अलावा चावल तो देखा ही नहीं था। चावल को नहीं देखा था? देखा ही नहीं। हाँ, चावल कैसे बनाते हैं वो भी पता नहीं था। हाँ, बहुत बाद में। हाँ, पता लग गया। पहले तो ये हम अंग्रेज के गुलाम रहे ना इंडिया। हाँ, उसने तबाह करके छोड़ दिया। हाँ, कि हमारे बड़े बड़े नेताओं ने जान देकर इसको आज़ाद किया, फिर आराम हो गया। वहीं हो गया। मले यू बंदर सरिया गुबुदे, मले निन्न कन्निये, भूमि सुडूदु कान तिल्लवे, धरे नीनो अक्कोरलीगे, ಮಳೆ ಹನಿಯಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತಿಲ್ಲವೇ, ಮರ ಕಡೆದರೆ ಮಳೆ ಬರುವುದೇ, ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಬೆಳೆ ಬಾರದೆ, ಕಡೆದು ಕಡೆದು ಹಾಕಿದೆ ನೀನು ಇರೋ ಬರೋ ಮರವನ್ನು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುವುದು ಇನ್ನು ಮಳೆಯು ಹೀದರೆಗೆ, ಮರವಿಲ್ಲದೆ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕೊನೆವರೆಗೆ. ಈಗ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಎಂಟ್ರಿ ಆದೆ. ಈಗ ಇದು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಸಿಟಿ. ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ರು.
ಕಾರ್ಗಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಲುಪಿದ್ದೀನಿ. ಕಾರ್ಗಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಲುಪಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನ ಬೈ ಅವರು ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದು ಲೇ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಬೈ ಅವರು ನನಗೋಸ್ಕರ ಮ್ಯಾಗಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಡುಗೆ ನೋಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೈ. ಹಲೋ ಬೈ. ಬೈ ಅವರು ಮ್ಯಾಗಿನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೈಯನ್ನವರೇ ನಿಮಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಭಯ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಕೂಡ ಟ್ರಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ಇವರು ನನಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂಥ ರೂಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸ್ಥಳ ಇದು. ಆರಾಮಾಗಿ ಫೋನೆಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಾಯವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸಿರೋದು ತುಮೇಲ್ ಕಾಲೋನಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಗಿಲ್ನ ಪೂರ್ತಿ ವ್ಯೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಸಿಟಿ, ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಲಡಾಕು. ಇಲ್ಲೇ ಮುಂದ್ಗಡೆನೇ ಎತ್ತರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪರ್ವತ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಚಳಿ ಚಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ಥಳ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಾಯವ್ರ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಕಳೆದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಲೇ ಕಡೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ನ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಹೊಳಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಪಳ 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 ಅಂತ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗಿ ಕುದಿತಾ ಇದೆ ಜಳ 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 ಅಂತ. ನಮಸ್ತೆ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಯವರ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಗಿಯನ್ನು ಊಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇ ಊರಿಂದ ಇವರೊಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರೋ ಇವರು ಈಗ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ನನಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳಿದರು. ಅವರೇ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಕೇಳೋಣ, ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬ್ರೋ ಹೇಳಿ. ಕೃಷ್ಣ ಭಾಯಿ, ಸಬ್ಸೆ ಪೆಹ್ಲೆ ತೊ ಆಪ್ಕಾ ಹಮಾರೆ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಮೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಕರ್ತೆ ಹೈ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಪ್ಕೆ ಇಸ್ ಮತಲಬ್ ಆಪ್ ಇತನೆ ಮಶಕ್ಕತ್ ಕರ್ಕೆ ಆಪ್ ಕೇರಳ ಸೇ ಇಧರ್ ಆಯೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರಿ. ಸಬ್ಸೆ ಪೆಹ್ಲೆ ತೊ ಆಪ್ಕೆ ಹಿಮ್ಮತ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಹಮ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕರ್ತೆ ಹೈ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೈಸೆ ಹಮಾರೆ ಅಗರ್ ಜವಾನೋ ಮೇ ಅಗರ್ ಜೋಶ್ ಅಗರ್ ಐಸಾ ಹೋಗಾ ತೊ ಬೇಶಕ್ ಹಮಾರೆ ದೇಶ್ ಬಹುತ್ ಆಗೆ ಜಾಯೆಂಗೆ. तो आप आज कारगिल पहुंचे हो, कारगिल रुके हो, तो मेरा तो सजेशन आपको यही है कि आप कारगिल में थोड़ा रुके, कारगिल को एक्सप्लोर करें, थोड़ा दिन आप बैठे. मतलब आपका अपना एक आइटिनिटी होता है, इस हिसाब से आपको चलते रहना होता है, आपको ले पहुंचना होता है. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी आप जाके एक्सप्लोर करने के बाद कारगिल आए, थोड़ा 10-20 दिन आप कारगिल में अच्छे से एक्सप्लोर करें, तो मेरा यही सजेशन है आपको. ओके ब्रो, थैंक यू. ಅವರು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಗಿಲಲ್ಲಿ ಒಂದು 10-15 ದಿವಸ ಇದ್ದು ಕಾರ್ಗಿಲ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸುತ್ತಾಡಿ ನೋಡಿ ಅಂತ. ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಕಾರ್ಗಿಲನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸುತ್ತಾಡಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ನೋಡೋಣ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಹೀಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.